नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आईटीसी के रिजल्ट्स आ गए हैं। रिजल्ट प्राइमा फेसिया जो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं दोस्तों। जिस तरह के रिजल्ट की उम्मीद थी रिजल्ट उसी प्रकार आए हैं। सबसे बड़ी बात, जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था ये उससे भी ज़्यादा अच्छे आए हैं। देखिए, रिजल्ट का असर क्या होगा शेयर प्राइस में ये हमें कल ही पता चलेगा। मैं आपको बता दूं, ऑपरेटर ने किस तरह की पोजीशन बनाई हुई है, किस तरह का गेम करने वाले, इसके इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे कि कल का शेयर प्राइस क्या हो सकता है। अगर आप बात करें शेयर को देखते हुए, रिजल्ट को देखते हुए, तो बिल्कुल शेयर कल बहुत अच्छा भागना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 300-400 के टारगेट्स। देखिए दोस्तों, आईटीसी के शेयर को ऊपर नीचे कराने में अदर फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, एक चीज कहूंगा, इससे जो रिजल्ट आया है, जो सीईओ साहब का कहना था कि हम होटल बिजनेस को अलग करेंगे, उसमें एक बूस्ट मिल सकता है, ये मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिखी है। तो हर चीज पर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगती हो, हमारा काम अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते सीधा शेयर प्राइस की तरफ, माफ कीजिएगा, आज रिजल्ट की तरफ चलते हैं सीधा, आदत हो गई है। अब देखिए, हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को देखते हैं। ठीक है, आप देखिए, ये जो है ना दोस्तों, इसके बगल वाला, ये ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ये है। और देखिए, हमें इसे ईयर ऑन ईयर भी देखना है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, क्योंकि ये आईटीसी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। अब आप देखिए, जो क्रॉस रेवेन्यू था फ्रॉम सेल प्रोडक्शन सर्विसेज, आप देखिए, अगर आप पाएंगे कि ईयर ऑन ईयर पाएंगे कि इससे एक साल पहले इसी मंथ में लगभग 1307.5 करोड़ था। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा है ना, ये करोड़ में है। ठीक है, 13075 करोड़ है ये। ठीक है, और इस बार क्या है दोस्तों, 14662 करोड़ रुपए, एक बहुत हेल्थी जंप कहूंगा दोस्तों मैं, जो कि ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों भी है। ठीक है, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल है दोस्तों, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में। ठीक है, और टोटल इनकम की बात करें तो आप देखिए, एक अच्छा खासा जंप है। पिछले साल इसी क्वार्टर में लगभग 13730 करोड़ रुपए था, जो इस बार बढ़ करके 15313 करोड़ हो गया है। और गाइस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो भी एक अच्छी खासी हेल्थी जंप है। ये मैं कहा ना आपसे, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन सिर्फ सेल्स के नंबर नहीं देखने हैं, अब बात करेंगे एक्सपेंसेस के, कि खर्चा क्या है। इस बार सभी कंपनी को डेंट सबसे बड़ा जो आया है वो एक्सपेंसेस से है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो सबसे बड़ा डर मुझे और जो मुझे थोड़ा सा देखना था वो यही था। और सच में मानिए आप, पिछले साल 36.95 इनका जो सेव एक्सपेंसेस था वो था, जो इस बार बढ़ के दोस्तों 4000 करोड़ से ऊपर चला गया है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर में इस बात करें तो भी हाई था। ठीक है, लेकिन गाइस, एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो है ना, ये होना ही था, क्योंकि आप देख रहे होंगे इन्फ्लेशन कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़ा कंट्रोल ही रखा गया है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया दोस्तों खर्चे। ठीक है, आप देखिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दोस्तों, ये बढ़ता है ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, क्योंकि जिस कंपनी में आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं, क्या आप उन्होंने उनके ऊपर आपने खर्चे से बढ़ाया है, तो आप देखिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे इन्होंने बढ़ाया है, और ईयरली बेसिस पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 10% की, तो ये अच्छी चीज मानूंगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो बढ़े हैं, और टोटल एक्सपेंसेस आप पाएंगे लगभग 10000 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे तो लगभग सेम ही है दोस्तों, और ईयरली बेसिस पे थोड़ा बढ़ा हुआ है, यानी एक्सपेंसेस दोस्तों वो भी ठीक आए हैं, एक्सपेंसेस भी ठीक है। अब चलते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस, ये सब पे आप नीचे नीचे करते रहिए, तो आप देखिए अर्निंग पर शेयर ईपीएस, तो ईपीएस दोस्तों अच्छी खासी बढ़ोतरी आप देखिए, जहां 2.66 रुपीज था, और ईयरली बेसिस बात करूं पिछले साल के में तो 2.74 था, वो ही बढ़ा हुआ है, 3 रुपए आया है। तो ये एक मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए, अब थोड़ा नीचे चल के अलग, इसके जो अलग अलग सेक्शन है उसमें बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, और
आप देखिए इधर नीचे तरफ जाएं, आप हर चीज बताऊंगा मैं, कुछ चीज छूट रही तो वो आगे चर्चा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं सेगमेंट वाइज में तुरंत जाना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि आईटीसी का रिजल्ट सेगमेंट वाइज प्लस जो मुझे जरूरी देखना है और जो शेयर होल्डर आपको देखना चाहिए, इसका एग्री बिजनेस दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए हम चलेंगे, पहले आप देखिए सिगरेट बिजनेस जो दोस्तों, अब आप देखिए सिगरेट बिजनेस की रेवेन्यू बढ़ी हुई आई है, और ये आईटीसी के लिए मैं कहूंगा सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है दोस्तों। इसकी आज भी कैश काउ इसका सिगरेट बिजनेस है, ठीक है। अगर डिविडेंड चाहिए तो ये आपको बिल्कुल दे, ये यही बढ़ना चाहिए, ये जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें दिखाता हूं मैं आपको, आप देखिए कि अगर आप इसमें बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में जहां 5,802 करोड़ रुपए का ही इसने सेल किया था सिगरेट, वो बढ़ के दोस्तों 6,200 करोड़ को ही पार कर गई है, और पिछले साल से तो ये बहुत ही जबरदस्त नंबर है दोस्तों, ठीक है। अदर बिजनेस, अदर में क्या आता है दोस्तों, अदर बिजनेस है इसके, ठीक है। आप देखिए जो आप याद होगा जो आईटीसी होता है, आईटीसी के जो प्रोडक्ट होते हैं गेहूं, आईटीसी का प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों आशीर्वाद एंड ऑल दैट, तो वहां से भी एक अच्छी खासी आप देखेंगे कि जंप है। इन फैक्ट टोटल एफएमसीजी में कितना है दोस्तों, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप है, और ईयरली में तो ये अच्छा खासा 10% का लगभग जंप है, ठीक है। होटल बिजनेस को आप देखिए, होटल बिजनेस तो अगर आप ईयरली में जाएंगे पिछले साल किसी क्वार्टर में, ये तो दोस्तों लगभग 200-300% का जंप हो गया है, ठीक है। और अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे जाएंगे तो भी ये जबरदस्त जंप है। मैंने आपसे कहा था होटल बिजनेस का बढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पुरी साहब ने कहा था कि हम होटल बिजनेस को अलग करने की सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है दोस्तों वो ये है कि हमें देखना है कि वो किस तरह इस बार जो क्वार्टर रिजल्ट आते हैं तो किस तरह का वो रिजल्ट दिखाता है। और आप देखिए इस बार बहुत ही मैं कहूंगा एक अच्छा अच्छा खासा इसने दोस्तों दिया है अपना अपना जो जंप है रेवेन्यू में इन्होंने दिया है, ठीक है। अब अगला चलते हैं, आप देखिए एग्री बिजनेस में, ठीक है। एग्री बिजनेस में देखेंगे तो आप क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में ना थोड़ा डेंट पाएंगे दोस्तों, पिछले साल के क्वार्टर में माफ कीजिएगा, और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में एक अच्छा खासा डेंट है दोस्तों। पेपर बोर्ड पेपर पैकेजिंग इसमें जबरदस्त तेजी है, ठीक है। अदर्स में भी अच्छी खासी तेजी आई है दोस्तों। इन शॉर्ट हम टोटल करते हैं दोस्तों तो भी आप देखिए जहां ये आपको अगर पिछले साल क्वार्टर में देखेंगे तो इसमें तेजी है, बट क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में थोड़ा डेंट लगा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज है ना वो आगे है दोस्तों, क्या है मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे में, तो आप देखिए ग्रॉस रेवेन्यूज, ठीक है। अगर आप ग्रॉस रेवेन्यू में जाएंगे ना तो आप पाएंगे ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, तो आप ग्रॉस रेवेन्यू में पाएंगे कि जो टोटल एफएमसीजी बिजनेस है उसमें तो अच्छा खासा उछाल है आप देखिए भाई, हैं। और जो टोटल एफएमसीजी दोस्तों आप पाएंगे इसमें अच्छा खासा जंप है, ये देखिए ये देखिए, यानी कि हर एक चीज में अगर आप जब ग्रॉस रेवेन्यू में इनके देखेंगे, ठीक है, ग्रॉस रेवेन्यू में इनको अच्छा खासा फायदा हुआ है दोस्तों। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएंगे, आप जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएंगे तो भी आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये इसमें थोड़ी गिरावट दिख रही है आपको, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में आपको बढ़ोतरी दिख रही है, ठीक है। और अब आप देखिए आगे चलता हूं मैं, आपको एक चीज दिखाता हूं, ये सब तो हो गई चीजें, तो आपको एक चीज समझ में आया होगा कि भाई ये जो आया ना रिजल्ट ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों जो रिजल्ट है इस बार का ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा एप्रिशिएबल था और बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आज आया है इस बार आप देखिए बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा अच्छा आया है, ठीक। बहुत हर एक सेगमेंट में इस शेयर जो कंपनी है इसने अपने आप को साबित किया है, और गजब का मैं कहूंगा दोस्तों इनके जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे आए हैं, ठीक है। और भी कई चीजें जो होंगी मैं आपके सामने लेके आऊंगा ठीक ठाक तरीके से, और जब हम बात करेंगे दोस्तों कि आगे वाले समय में इस शेयर का आईटीसी का किस तरह से होना है, तो भाई आप देखिए मैं आपको बता दूं आईटीसी इज अ वेरी गुड कंपनी, बहुत ही ज्यादा आप देखिए अच्छा खासा इसमें रिजल्ट आया है, इनके सिगरेट बिजनेस बढ़े हैं, इनके होटल बिजनेस बढ़े हैं, ठीक है, सब चीज अच्छा आया है, ठीक है। यानी कि
आप देखिए कि बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा एक अच्छी चीज है, और आने वाले समय में इसे दोस्तों शेयर किस तरह के रनअप करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ रिजल्ट प्राइम ऑफिस बहुत अच्छा है। कुछ और डिटेल अपन करेंगे, बात चर्चा करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट टर्म मुझे तुरंत आपको बताना था कि आईटी के रिजल्ट वाकई बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक देखे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है। जय।